श्राद्ध कर्म में तुलसी का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आध्यात्मिक कार्यों में पवित्रता और दोष समाप्त करने के लिए तुलसी का प्रयोग बेहद ही लाभकारी होता है। श्राद्ध पक्ष में तुलसी का एक उपाय बहुत लाभदायक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय को घर पर रहकर करने से ही तर्पण के समान फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी के इस उपाय को जानने के लिए हमने हरिद्वार के ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री से बातचीत की। उन्होंने लोकल 18 को क्या कुछ कहा है, सुनिए। श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, 16 दिन का पखवाड़ा होता है, पूरे 16 दिन होते हैं श्राद्ध में। तो इसमें एक जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनको मुक्ति दिलाने के लिए जो एक उपाय ऐसा है जो बहुत ही फलीभूत होता है, जैसा कि हमारे आंगन में घर के बाहर तुलसी विद्यमान है, वहां जाकर के तुलसी की जड़ में एक कटोरी तुलसी की जड़ में रख करके और अपने हाथों में स्वच्छ जल लेकर के उस कटोरी में लगभग 7 बार उस जल को अपने हाथ के द्वारा पहले हाथ में डाल करके अंगूठे के द्वारा वह जल धीरे धीरे उस कटोरी में चला जाए और इस प्रकार का क्रम 7 बार होना चाहिए। और हमारा जो मुख है वह दक्षिण दिशा में हो। और इसके अतिरिक्त जो एक मुख्य बात यह है, भगवान शिव का एक मंत्र का भी जाप करें, ओम नमः शिवाय या कोई अन्य मंत्र के द्वारा। ऐसा करने से हमारे जो जैसा तर्पण करते हैं या उनको गंगा के किनारे जलांजलि देते हैं पितरों को, इस प्रकार ही उस क्रम का फल प्राप्त होता है। यह उपाय उन लोगों के लिए भी है जो गंगा के किनारे या अन्य स्थान पर जाने में असमर्थ हैं। अपने घर पर ही इस उपाय को करने से उनको पितरों को प्रसन्न करने में एक सुविधा भी होगी और उसका लाभ भी होगा और उनके पितरों की शांति अवश्य होगी। तो ऐसा करने से हमारे पितर शांत होंगे और यथा योग्य हमको आशीर्वाद भी देंगे, जैसा कि 16 दिन तक पितर हमारे पृथ्वी पर ही होते हैं, और वह प्रसन्नचित होकर के अपने लोक में लौट जाएंगे।